स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने जो सबक पढ़ा था हज़रत अबू तालिब की कफालत और सफ़रे शाम, हमने स्टूडेंट्स इसकी पढ़ाई जो है मुकम्मल कर ली थी। इसकी पढ़ाई जो है हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो आज हम जो है इसकी मश्क करेंगे। पहला सवाल है, खाली जगह पुर कीजिए। स्टूडेंट्स, जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उनमें इनके आंसर्स जो हैं वो राइट किए हुए हैं। फर्स्ट खाली जगह जो है हमारी पहली, वो है हज़रत आमना की वफ़ात के वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 10 साल थी, 6 साल। हज़रत अबू तालिब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डैश थे। हज़रत अबू तालिब जो थे वो चचा थे। हज़रत अबू तालिब डैश की कर से अक्सर दूसरे ममालिक जाते थे तजारत। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 साल की उम्र में डैश का सफ़र किया शाम। सफ़र शाम में हज़रत अबू तालिब की मुलाकात डैश नामी राहब से हुई, बहीरा नामी। अब है आगे जो हमारा बे हिस्सा है, उसमें है सवालात के जवाब लिखिए। हमारा पहला सवाल है, हज़रत अबू तालिब मुल्क शाम क्यों जाते थे? तो इसका जवाब जो है जो नोट्स हैं उसमें है, हज़रत अबू तालिब मुल्क शाम तजारत के लिए जाते थे। ठीक है, सवाल नंबर दो है, हज़रत अबू तालिब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क शाम क्यों लेकर नहीं जाना चाहते थे? इसका जवाब है, हज़रत अबू तालिब रास्ते की तकलीफ़ों की वजह से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क शाम नहीं ले जाना चाहते थे। सवाल नंबर तीन है, बहीरा नामी ईसाई राहब ने हज़रत अबू तालिब से क्या कहा? बहीरा नामी ईसाई राहब ने हज़रत अबू तालिब से कहा, आप अपने भतीजे को वापस मक्का ले जाएं, अगर यहूदियों ने देख लिया तो ऐसा ना हो कि इन्हें नुकसान पहुंचाएं। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो सबक है ये कंप्लीट हो गया है। आपने इसको याद करना है, सवालों को भी, और खाली जगह पूरी कीजिए, इसको भी याद करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।